वेलकम बैक टू निशाज रेनबो। कैसे हैं दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। गुड आफ्टरनून। दोपहर का टाइम है और लंच वगैरह सब निपट गया है, बर्तन भी मैंने सारे धुल दिए हैं, पतिदेव ऑफिस गए हुए हैं। तो देखिए, जब भी वो आते हैं उसके बाद फिर हम लोग, क्योंकि वो आने के बाद थोड़ा हम लोग फिर एक्टिव हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। इस समय फ्री हूँ मैं, बच्चे भी अपना कार्टून देख रहे हैं और थोड़ा सा टाइम मुझे अपने लिए भी चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल सेल्फ़ केयर नहीं हो रही है और हाथ पैर बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं यार। एनीवेज, मैं जनरली न्यूज़ नहीं देखती हूँ, इसलिए नहीं देखती हूँ कि मैं थोड़ा सा हाइपर टेंशन में रहती हूँ, तो न्यूज़ वगैरह मैं नहीं देखती, क्योंकि फिर मैं नेगेटिव ही सोचती हूँ, जबकि मैं पॉजिटिव रहती हूँ, रहना चाहती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ पॉजिटिव रहने की। तो कोरोना की कुछ न्यूज़ इस टाइप की थी और ये भी था कि गवर्नमेंट ज़्यादा दिन लॉकडाउन कर नहीं सकती है, तो थोड़ा सा ना मैं डिस्टर्ब हो गई। लेकिन शाम को मैंने फिर एक वीडियो देखा, ब्रह्म कुमारीज जानते होंगे आप सब, तो उसमें जो बीके शिवानी हैं उनके थॉट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं और बहुत प्रैक्टिकल भी हैं। तो उनका थोड़ा मैंने इस पे, कोरोना पे उनके क्या व्यूज़ हैं वो मैंने सुना दोस्तों। उसके बाद मैं अपने फॉर्म में वापस आ गई। उसमें उन्होंने बताया था इस बारे में कि आप ये क्यों सोच रहे हैं कि कोरोना कभी जाएगा नहीं या आपके साथ रह जाएगा, या जो भी पॉसिबिलिटी होगी उसका पॉजिटिव थॉट सोचिए। कोरोना की वजह से बहुत सी बीमारियां वैसे भी हमें नहीं हो रही हैं, जो सीजनल प्रॉब्लम्स होती थी लोगों को, या लोग अपने प्रति लापरवाह होना कम हो गए हैं, लोग थोड़ा सा कहें कि जागृत हो रहे हैं अपने बारे में, या अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहे हैं कि उन्हें पता है हमें बाहर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है प्रॉपर, तो वो कैसे भी करके होम रेमेडीज से या कैसे भी करके वो अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सही बात है, हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि इस समय भाई कुछ भी करो, पूरा प्रिकॉशन लो, ऐसे रहो कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो ये चीज़ हम बच्चों से कई बार खुद भी कहते हैं, बट वही है ना कि जब हम टेंशन में आते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स निकल करके हमारे अंदर बस निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो कल उनकी बातें सुनने के बाद वापस से मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील होने लगा है। कोरोना के साथ भी अगर हमें रहना है तो भी बहुत सी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो यार मुझे लग रही है, मैं कुछ नहीं हूँ कि मुझे लग रही है, बट मैं आप लोगों से जिनसे मैं बात कर रही हूँ, जिनसे मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, उनके लिए मैं कुछ तो हूँ, कहीं तो मैं स्टैंड करती हूँ, कहीं तो मेरी बातें आपको अच्छी लगती होंगी या बुरी लगती होंगी, या कहीं आप रिलेट कर पाते होंगे, तो उस अधिकार से मैं कह पा रही हूँ, उस कॉन्फिडेंस से मैं कह पा रही हूँ जो आप लोग मुझे दे रहे हैं मेरे साथ बने रहकर, कि ये कोरोना अगर चला भी जाता है तो इसने जो हमें पॉजिटिव थॉट्स दिए हैं, हर चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जो पॉजिटिव इसने दिया है हमें वो ये है कि हम ट्रू रिलेशन में बिलीव करें, दिखावे की ज़िंदगी में नहीं। दिखावे में तो हमारे बहुत से दोस्त हैं, बहुत से फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन कनेक्ट हम उनसे नहीं कर पाते हैं। कनेक्ट हम किसी किसी से कर पाते हैं, किसी किसी से हम अपने दिल की बात कह पाते हैं दोस्तों। तो कुछ चीज़ों में जो हम कहते थे कि हम हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं,
नहीं रखते थे यार, सामान कहीं से भी लाया, बाहर से पटक दिया, बेड पे रख दिया, कहीं भी रख दिया। अब एक्चुअली हम हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, चीज़ें आती हैं उनको प्रॉपरली वॉश किया जाता है, प्रॉपरली क्लीन किया जाता है, उसके बाद चीज़ें यूज़ में आती हैं। सब्ज़ी वगैरह भी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी हम लाते थे वो बस पानी से धुला, या मैं तो धुलती थी, लेकिन बहुत से लोगों को मैं ऐसे भी जानती हूँ जो कि नहीं धुलते और डायरेक्ट उठा के फ्रिज में डाल देते हैं। तो उससे क्या है कि जो चीज़ें आप फ्रिज से डायरेक्ट लेकर के इनटेक कर लेते थे, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था उनका। तो कोरोना ने एक चीज़ का लेसन तो दिया है कि प्रकृति से हम ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि जितना हम नेचुरल चीज़ों के आसपास रहेंगे उतना हम सेफ रहेंगे। जंगलों में देखिए कहीं कोरोना नहीं है, इवन किसी जानवर को कोरोना नहीं है यार, हो रहा है तो बस हम इंसानों में। क्यों वो नहीं पता, कब जाएगा वो नहीं पता, लेकिन एक पॉजिटिव थॉट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि ये जाएगा और ज़रूर जाएगा, ये हमारी लाइफ में परमानेंट नहीं रह सकता। जब कोई चीज़ परमानेंट नहीं है आपकी लाइफ में, तो कोरोना ही क्यों लाइफ टाइम रहेगा, उसे नहीं रहना है, उसे जाना है। तो मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, कल जब मैंने उनकी बातें सुनी हैं बहुत अच्छे उनके थॉट्स हैं। जब भी मैं थोड़ा मुश्किल मुझे महसूस होती है तो एक दो लोगों से मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, मुझे लगता है मेरी समस्या का समाधान यहीं मिलेगा, तो मैं तुरंत उस चीज़ पे सर्च कर जाती हूँ। और क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे पॉजिटिव रहना बहुत पसंद है, ये मेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन है, मेरी फैमिली एलिवेशन है। क्या देख रहे हो? मिक्की माउस। फिर मिक्की माउस। और कल आपने इतना सारा लिखा था, मम्मा के साथ में ढेर सारी पढ़ाई करी थी, आज भी तो करनी है। अच्छा अच्छा, वो ये वाली पोयम सुना दो यहाँ सबको जरा। We shall overcome, overcome someday. अरे मैं बोल रहा हूँ। We shall overcome, we shall overcome someday. I do believe. दो टाइम बोला। Okay. I do believe. I do believe. We shall overcome someday. तो चलिए आज मैं थोड़ी चीज़ें लेकर बैठी हूँ अपने साथ, नेल्स कट करना है और नेल पॉलिश लगाना है, बहुत दिन हो गए हैं, बस झाड़ू पोछा बर्तन यही लाइफ हो गई थी। लेकिन नहीं, ठीक है, अगर अपने आप को करना भी है तो की फ़र्क पैदा है ना, कर लिया जाएगा यार, अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा ही बना लेंगे अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी, अपना ही काम तो है। चलिए फिर आपसे मिलती हूँ, पतिदेव आ जाएंगे अगर चाय के टाइम तक, तो वैसे वो जब आते हैं मेरा चाय टाइम तभी होता है, क्योंकि मैं अकेली चाय नहीं पीती हूँ, वो आ जाते हैं तो शाम की चाय तो स्पेशली हम दोनों साथ में ही पीना पसंद करते हैं। दोस्तों अभी हमारी चाय बन रही है और यहाँ पर मैंने लाई फ्राई कर ली है हल्का सा तेल डालकर, और उसमें मूंगफली और चना डाल दिया है, उसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डाल लिया है। यहाँ पे मैंने प्याज, मिर्च, टमाटर और अदरक काट लिया है और थोड़ी सी आलू बॉईल कर ली है, इसमें भी नमकीन बनाई थी मैंने, धुलना नहीं है बस ऐसे ही क्लीन कर ले रही हूँ। और अभी हम
देखिए तेल हमारा प्रॉपर हुआ नहीं है, हमने इसमें डाल दिया जीरा, तो आप तेल को पहले भुजाने दें अच्छे से। यहाँ पर देखिए मैंने प्याज मिर्च काट ली है, टमाटर और ये अदरक, ये जाएगा हमारी पाव भाजी में। ज़्यादा मसाले पड़ते नहीं हैं इसमें। देखिए जीरा हमारा यहाँ पे हो गया है, अभी हम इसमें प्याज और मिर्च ऐड कर देंगे। प्याज को हमें थोड़ा सा भून लेना है और प्याज जल्दी हो जाए इसके लिए हम यहाँ पे बहुत हल्का सा एक चुटकी भर हल्दी एक डाल देंगे और एक चुटकी भर नमक डाल देंगे। इससे आपकी प्याज बहुत जल्दी भून जाती है, कभी फ्राई करके देखिएगा ज़रूर। अभी यहाँ पे जो हमने ये अदरक चॉप किए छोटी, पहले इसको डाल के एक मिनट तक भून लेंगे। अब यहाँ पे हम प्याज में थोड़े से मसाले ऐड कर लेंगे, उसमें आएगी एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच और आधा और चम्मच अमचूर, एक चम्मच धनिया पाउडर, और यहाँ पे देखिए हमारी बॉइल्ड आलू है, ये मीडियम साइज की 5 आलू है, तो हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं। टमाटर अभी मैंने डाला नहीं है, क्योंकि अगर टमाटर पहले डाल दूंगी तो फिर आलू का टेस्ट नहीं अच्छा आएगा, तो अभी इसको हमें भून लेना है अच्छे से और नमक नहीं ऐड करना है। और थोड़ी देर के लिए हम फ्लेम धीमा करके कम करके और इसको ढक देंगे। ये देखिए आलू अब नीचे थोड़ी सी लगने लगी है और बहुत अच्छी इसकी महक आ रही है, बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है। तो इस टाइम में हम इसमें बीच में यहाँ पे अपनी कढ़ाई में जगह बनाएंगे। कभी आपको टमाटर गलाने हो ना तो ये ट्रिक जरूर अपनाइएगा और बीच में सारे टमाटर डाल दें। और ऐसे करके और टमाटर बीच में ही पड़े रहेंगे और इसमें हम नमक डाल देंगे पूरी अपनी भाजी के अकॉर्डिंग, कि जैसी हमें बनानी है जितना उसमें नमक चाहिए, क्योंकि नींबू भी ऐड करना है हमें इसमें बाद में, तो थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसको हम ढक देंगे। ये देखिए टमाटर गलने लगे हैं, तो मैंने इसको धनिया पे रख दिया और देखिए इसमें धनिया लग गई। और इसको हम इस तरीके से मैश कर लेंगे पूरा। इसमें आप और ढेर सारी सब्जियां डाल सकते हैं, इसमें आप बीन्स डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल दे सकते हैं। पत्ता गोभी मेरे यहाँ बनती ही नहीं है क्योंकि किसी को पसंद नहीं है इसका टेस्ट एक तो, और दूसरे उसमें वो कीड़ा एक रहता है ना, सब में नहीं रहता है लेकिन यार क्या पता किस में रहता है ना, जो दिमाग में चढ़ जाता है। तो एक आध केस हम लोगों ने ऐसे देख लिए हैं सामने कि हमारे यहाँ पत्ता गोभी आनी बंद हो गई है, तो आप इसमें कैप्सिकम डाल सकते हैं। बिल्कुल इसको हमें मैश कर देना है। मैं इसके लिए पोटैटो मैशर ले लेती हूँ।
और इससे ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब ये अच्छे से मैश हो गया है और हम इसमें पानी डाल देंगे। थोड़ा सा इसको पतला, बहुत पतला नहीं, लेकिन इतना रखेंगे, बिल्कुल सूखा नहीं रखना है, है ना। तो टमाटर इसमें चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन पकने के बाद पानी जब इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा तब मुझे इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए, तो इसके लिए मुझे पानी थोड़ा सा और डालना होगा। बस और इसी जगह पे हम इसमें पाव भाजी मसाला ऐड कर देंगे। ये एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला है जो मैं यूज करती हूँ, तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। लगभग 3.5 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है और इसको बस मिक्स करूंगी और जस्ट एक बॉयल आएगा, क्योंकि जब तक मैं इसके लिए पाव सेकूंगी तब तक ये हो जाएगी सब्जी भाजी हमारी। तो बस फिर अब मैं सेकना शुरू करती हूँ और बॉयल हो जाएगा तब मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी। ये धनिया मैंने काट के यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है। थोड़ा सा अगर आप और चटपटा खाना चाहते हैं दोस्तों, तो 1/2 चम्मच के करीब चाट मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये बॉयल होने के बाद जब इसको बंद कर देंगे तब इसमें नींबू ऐड करेंगे। इतने में कम से कम 1 नींबू तो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसमें धनिया डाल देंगे। और इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर देखिए पाव को हमने बराबर से काट लिया है और थोड़ा थोड़ा बटर लगा दे रही हूँ, क्योंकि इसमें दोनों साइड में बटर लगाकर इसको तवे पे सेकना होता है। तो एक साइड में ऐसे कर ले रही हूँ जो थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा। इस तरह से करके इसको अलट पलट कर हम दोनों साइड में सेक लेंगे अच्छे से, और ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा इसको दबाना भी पड़ेगा जैसे कि ये अच्छे से पक जाए। बच्चों को बहुत पसंद होता है, बहुत फेवरेट होता है बच्चों का, तो बच्चों के लिए तो बना दिया था मैंने, थोड़ा सा आटा लगा लिया था बाद में, तो हस्बैंड और मैंने रोटियां ले ली थी, क्योंकि कुछ भी हो यार बटर है तो ये तो हार्मफुल होगा। और देखिए यहाँ पे हो गया है, तो बेटी की प्लेट लगा दी मैंने और बहुत अच्छी थी। ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों, ज़रूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएगी आपको और आपके बच्चों को। तारीफ़ ना मिले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बहुत ही यम्मी था रियली। तो फ्रेंड्स बताइएगा मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और मेरी पाव भाजी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। बहुत अच्छी बनी थी, बच्चों को पसंद आई बहुत। मैंने और हस्बैंड ने भी एक एक पीस ले लिया था और हमने अपने लिए रोटियां बना ली थी, क्योंकि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लगातार खाया जा रहा है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। और बस अब इसी के साथ मैं व्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी। खाना पीना सब हो गया है, सभी लेटने चले गए हैं, मतलब सोने चले गए हैं, और अब मैं भी जा रही हूँ। तो दोस्तों आपको पता है आपको करना क्या है, लाइक कर देना है मेरे वीडियो को
और अपने ढेर सारा प्यार देना है, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देने हैं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप सब शेयर कर सकते हैं मेरा वीडियो। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ एक बेल आइकन आता है वो आप प्रेस करेंगे तो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आएगा। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। इसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट।